नमस्कार, जय माता दी। मु कल्याणी आपण मानको कल्याणी किचन एंड बॉक्स को स्वागत करूची। आज मु फुलकोबी आळू रो कसा रखीची रेसिपी, तो आपण मान देखिनु तो कोन कोन सामग्री दरकार हेउची। एठी मु अल्प फुलकोबी रखीची आ आळू रखीची। दुईटी आळू को एंती साइज रो काटि नै जाईची। दुईटी प्याज को एंती छोट छोट कर काटि नै छी। किछि कटा धनिया पत्र रखीची। गोटा रसुण को एंती छेचिकि रखीची। एठी मसला प्रस्तुत करिया पई गोटे टमाटर नै छी, गोटे चमच जीरा, चारि पांचटी रसुण, अल्प अदा रखीची छोट छोट कर काटिकी, आ गोटा धनिया आकु मु गोटे पेस्ट करिवि। किछि ग्रीन मटर रखीची आ दही रखीची। एबे मु कोबी आ आलू को गोळेकी रखीबी। देखंतु मु केमती कोन गोळौची कोबी आ आलू को। कोबी आ आलू को गोळेया पई एठी मु 2 चम्मच बेसन नै छी, गोटे चम्मच लुण नै छी, अल्प टिके हळदी पाउडर नै छी, अल्प टिके काश्मीर चिली पाउडर नै छी, आ गोटे चम्मच भजा कसूरी मेथी पत्र नै छी। एबे अल्प पानी देबी, भल भाव बेसन टी गोल बेसन टी भल भाव गोलला फुलकोबी आलू को बेसन रे दे देबी। कोबी आलू को भल भाव बेसन सहित गोल नहीं 10 मिनट रखिदेवी। फुलकोबी आलू को 10 मिनट पर्यंत गोल रखी थी। 10 मिनट हो गला, मुझे कड़ई बसे किसी सोरस तेल दे किसी सोरस तेल दे कि फुलकोबी को भल भाव में भाजी ने भी। फुलकोबी टी भल भाव में भाजी हो गला, मुझे काढ़ी ने भी। देखो फुलकोबी की एमती मुझे भाजी नहीं ची। एबे मु आलू टी भाजी ने भी। गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी फुलकोबी और आलू को भाजुची। आलू टी भल भाव भाजी हो गला, आलू को मुझे काढ़ी ने भी। देखो कोबी आलू को एमती भाजी ने कड़े अल्प सोरस तेल देवी मसला कसापी। आप सोरस तेल बदल में भी रिफाइन तेल यूज करेंगे। तेल गरम हो गला, जीरा देदेवी गोटे चमच। जीरा टी भल भाव फुटीगला, गोटा रसुण छेचा देदेवी, काटिक रखा पियाज देदेवी। पियाज को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यटन भाजी ने। पिजाटी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो जो टमाटो अदा रसुण जीरा धनिया को पेस्ट करी से पेस्ट को देदेवी। मसला को भल भाव कषि ने अल्प लुण देवी, कारण कोबी आलू में मुझे लुण देखिए कोबी आलू को गोल रखी थी। अल्प टी हलदी गुंड देवी, अल्प लंका गुंड देवी, आपंप हिसाब से राग हिसाब से लंका गुंड देते। अल्प टिके पा देवी, मसला को भल भाव कषि ने। मसला टी भल भाव कषि हो गला, ग्रीन मटर दे देदेवी। ग्रीन मटर पकई सारिगर 3 मिनिट हो गला, मसला टी भल भाव कषि हो गला, ग्रीन मटर भी सीझी गला। एबे मु जो जगार बेसन को गोल फुलकोबी आलू सहित से जगह अल्प दही देदेवी। दही पखापाखी मुझे 3 चमच नहीं फ्रेश दही, दही टी खटा है, दही की भल भाव गोल से बेसन घोल। गोटे चमच पखापाखी बेसन रिठौटी बड़ी जाइला, से दहीटा को भल भाव गोल नौ। दही टी भल भाव गोल एवं मुझे मसलार देदेवी। दही टी मुझे मसलार देखो एमती कषि ने। गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी
ଦହିଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ମସଲାକୁ କଷିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ବି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ତେଲ ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଗରମ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବି କାରଣ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ବି ଭାଜିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କଭର ଦେଇଦେବି। ତରକାରୀଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରୁ କଭରଟେ କାଢ଼ିନେବି। ଦେଖିନେବି ତରକାରୀଟି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ତରକାରୀଟି ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଧନିଆ ପତ୍ରଟି ପୁରା ଦେଇଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଡ଼େଇକୁ ଆଉ ଥରେ କଭର କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରୁ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଗ୍ରେଭି ରହିବ। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷାକୁ କାଢି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ତା ଉପରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।